हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पहले ये भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही बांग्लादेश कटकर पाकिस्तान का हिस्सा बना, और साल 1971 में बांग्ला मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य प्रयोग द्वारा एक अलग देश बना। वैसे बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी कई अन्य रोचक बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको बांग्लादेश से जुड़े कुछ ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, इस देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 16 करोड़। जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। वही बात की जाए टोटल लैंड एरिया की तो ये देश 130,170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 1265 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 40% जो हैं वो अर्बन हैं और 60% रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश अभी जवान कंट्री है। जी हाँ, यहाँ के कुल आबादी की औसतन उम्र 28 साल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में महिलाओं की हालत में अब बहुत सुधार हुआ है, लेकिन एक समय था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना यानी कि खतरों से खाली नहीं था। जी हाँ, यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी हुआ करती थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और असुखदार लोग अपने साथ ही रखना चाहते थे। एक मर्द कई शादियां किया करता था और शादी घर बसाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये होती थी मौज मस्ती करने के लिए। जी हाँ, रात दिन नशे में डूबे रहने के लिए। यह हाल थी इस देश की। ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ की हालत पहले से बहुत सुधरी है। दोस्त, आपने बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। इस फ्लैग में आपको दो कलर नजर आ रहे होंगे, पहला रेड एंड सेकेंड ग्रीन, है ना दोस्तों? अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान। जी हाँ, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। बांग्लादेश में 1971 में बंगाली राष्ट्रवादी और पाकिस्तानी के बीच 9 महीने तक चले युद्ध के बाद आजादी मिली थी। बांग्लादेश में लगभग 5 साल के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और यहाँ कोई भी 1 से 2 बार राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। बांग्लादेश प्राचीन समय में गंगा रिहाई के ग्रीक और रोमन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ये नाम पूरी तरह से छूट गया है। आपको बता दें, बांग्लादेश दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश माना जाता है। दोस्तों, इस देश में 90% पॉपुलेशन मुस्लिम की है। जी हाँ, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम इसी देश में रहते हैं। बाकी के 10% में हिंदू और क्रिश्चियन हैं। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश के लोग बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते हैं? जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, बट ये सच्चाई है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर माना जाता है कि जो बात बात पर हंसते हैं वो इमैच्योर होते हैं। जी हाँ, तभी तो यहाँ पर ज्यादातर लोग एंग्री यंग मैन बनकर ही रहते हैं। क्या बात है, मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहाँ पर हंसने वालों को इमैच्योर कहा जाता है। देश की राजधानी ढाका यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और उसे सिटी ऑफ मस्क भी कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर में 1000 से भी ज्यादा मस्जिद हैं। यहाँ आपको हर मोड़ पर मस्जिद नजर आ जाएगी, तभी इस जगह पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जनाब बताइए, जरा बताइए, बता रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चूंकि ये है बंगाली कल्चर, तो यहाँ के लोग कैसे मछली को इग्नोर कर सकते हैं? जी हाँ, यही वजह है कि बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा मछली चावल खाने को मिलता है। ये यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है। कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम रेट में और ज्यादा से ज्यादा रेट में भी आपको मछली चावल खाने को मिल जाता है। यहाँ पर एक टाइम तो सबको फिश चाहिए ही चाहिए। खेलों के मामले में बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। टेस्ट क्रिकेट में ही बांग्लादेश को मान्यता मिली हुई है तथा ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला एशिया का 4था देश है। पुरुषों को यहाँ के महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस हरकत से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसकी जगह पुरुष अपना एक हाथ दिल के पास रखकर झुकते हुए महिलाओं को इज्जत देते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और यह इस देश की पहचान भी है। यहाँ के लोगों में शेर का मुखौटा पहनकर घूमना या क्रिकेट मैच के दौरान टाइगर का मास्क लगाकर अपनी टीम को सपोर्ट करना बहुत कॉमन सी बात है। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में ऑफिशियली 6 सीजन्स को माना जाता है, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, जबकि इनके अलावा 2 हैं, रेनी एंड कूल सीजन्स। एक सबसे बड़ी बीमारी जो इस देश को अंदर ही अंदर खा रही है वो है करप्शन। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक भयानक करप्शन है। यहाँ पर बिना पैसे लिए या दिए किसी का कोई काम ही नहीं होता है।
यहाँ पर घोटाले की वजह से सब परेशान हैं, लेकिन ना तो लेने वाले रुक रहे हैं और ना ही देने वाले। तो दोस्तों ये थे बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ बेहद ही दिलचस्प फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।